नेक्स्ट, इफ क्यू 01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, क्यू जो है इक्वी डिस्टेंस है पी एंड आर से, तो इसका यूज़ करते हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्यू पी, क्यू हमारे पास 01 है, एक्स 1 एंड वाई 1 एंड पी हमारे पास है 5 एंड माइनस 3, एक्स 2 एंड वाई 2। सबसे पहले हम क्यू पी का फॉर्मूला, एक्स 2 माइनस एक्स 1 की स्क्वायर प्लस वाई 2 माइनस वाई 1 की स्क्वायर। एक्स 2 कितना है 5, एक्स 1 कितना है 0, वाई 2 माइनस 3, वाई 1 1, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 की स्क्वायर ये क्यू पी प्लस वाई 2 माइनस 3 माइनस 1 की स्क्वायर। तो 5 माइनस 0 5 हो गया, माइनस 3 माइनस 1 हो गया माइनस 4, 5 की स्क्वायर 25, 4 की स्क्वायर 16, 25 एंड 16 41 हो गया हमारे पास यूनिट। नेक्स्ट हमने करना है क्यू आर, क्यू हमारे पास है 0 एंड 1, एक्स 1 वाई 1 एंड आर हमारे पास है एक्स एंड 6, एक्स 2 एंड वाई 2। फॉर्मूला क्यू आर का भाई एक्स 2 माइनस एक्स 1 वाई 2 माइनस वाई 1। एक्स 2 एक्स माइनस 0 की स्क्वायर 6 माइनस 1 की स्क्वायर, एक्स माइनस 0 हमारे पास एक्स हो गए, 6 माइनस 1 हमारे पास 5 हो गए, ये हो गया एक्स स्क्वायर 5 की स्क्वायर 25, ये हमारे पास क्यू आर। अब हम इक्वल करेंगे क्योंकि इक्वी डिस्टेंस थे, क्यू पी इक्वल टू क्यू आर, क्यू पी अंडर रूट 41, क्यू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 25। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वेयर कर देते हैं, अंडर रूट 41 का स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्केयर, स्केयर से अंडर रूट कट गए, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 25, प्लस के 41 हो जाएगा इक्वल प्लस के 41, सॉरी प्लस के 25 हो जाएगा, हो गया माइनस के 25, 41 में से 25 गया 16, स्केयर हो जाएगा अंडर रूट 16 का बन जाता है प्लस माइनस में, तो एक्स हो गया हमारे पास प्लस माइनस 4। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्यू आर एंड पी आर, क्यू हमारे पास कितना है 01 एंड आर हमारे पास कितना है एक्स 6 है, तो 4 एंड 6 हो जाएगा एक्स 1 वाई 1 एक्स 2 वाई 2। तो सबसे पहले क्यू आर एक्स 2 माइनस एक्स 1 4 माइनस 0, वाई 2 माइनस वाई 1 6 माइनस 1, 4 माइनस 0 4 हो गए, 6 माइनस 1 हो गया 5 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16, 5 की 25, प्लस करने पर 41 यूनिट हो गया हमारे पास क्यू आर। अब हम निकालना है पी आर, पी हमारे पास 5 एंड माइनस 3 एंड आर हमारे पास 4 एंड 6 है, ये हो गया एक्स 1 वाई 1 एक्स 2 वाई 2। निकालेंगे पी आर एक्स 2 माइनस एक्स 1 4 माइनस 5 की स्क्वायर, वाई 2 माइनस वाई 1 6 को, ये भी माइनस है तो प्लस हो गया 6 प्लस 3 की स्क्वायर, 4 माइनस 5 माइनस 1 6 प्लस 3 9, माइनस 1 की स्क्वायर 1 9 की स्क्वायर 81, 81 और 1 हो गए 82 यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया सवाल का।